और मेरे भाई लोग कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो वेल गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऐसा एमुलेटर लेके आया हूँ जिसका एक लेटेस्ट वर्जन निकल के आया खासकर लो एंड पीसीआर लैपटॉप के लिए। तो भैया, अगर आप पे फ्री फायर लैग करता है या चलता ही नहीं है तो आप इस एमुलेटर को इंस्टॉल करने के बाद गेम खेल सकते हो। यहाँ पर आपको गेम इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं, एमुलेटर में प्री इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आपको गेम मिल जाता है। यहाँ पर बस आपको डाउनलोड करना है, जस्ट प्ले करना और कुछ भी नहीं करना है। कैरी भैया कुछ आपसे कहना चाहते हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट मारने जाना है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 500 MB के पार्ट भी मिल जाएंगे एंड सिंगल पार्ट भी मिल जाएंगे। तो बल्कि जो सिंगल पार्ट है वो 1 GB का है, और जो मैं यहाँ पर अगर 1 GB डाउनलोड नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप 500 MB के दो पार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट का पार्ट आपका 64 MB है, तो यहाँ पर आपको 500 MB के ये दो पार्ट डाउनलोड करने हैं। लास्ट का पार्ट 64 MB है, तो तीनों पार्ट डाउनलोड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो सिंपली आपको इसे सेलेक्ट ऑल करना है एंड यहाँ पर आप किसी से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, 7ZFVNR से। तो यहाँ मैं VNR से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। पासवर्ड आपको वेबसाइट पे मिलेगा। मेरा जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, सिंपली आपको SG3.1 करके एक फोल्डर मिलेगा, सिंपली इसमें फान जाओ, कूद जाओ। एंड यहाँ पर आपको स्मार्ट गागा 3.1 का एक वर्जन मिलेगा। तो भैया ये ऑटोमेटिक स्टेबल वर्जन है, ये आपके लो एंड पीसी के लिए काफ़ी स्टेबल वर्जन है भैया, आप आराम से खेल सकते हो अगर आप पे फ्री फायर लैग करता है या नहीं चलता है। सिंपली आपको इसे ओपन करना है। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं इन डेवलपर को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो हमारे लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारे लिए इतना अच्छा स्मार्ट गागा का वर्जन प्रोवाइड करे। तो भैया डेवलपर चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उनके चैनल को चेकआउट करें। तो सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। देखो यहाँ पर कुछ और लैंग्वेज भी लिखा है, तो जो जैसा मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ सिंपली आप उसी तरह इंस्टॉल करें। तो अगर आप किसी और डायरेक्टरी पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे सी में इंस्टॉल करूँगा और ये इंस्टॉल का बटन है। सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर एक आपको नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पर आप सिंपली येस कर लेना एंड अब क्या इम्युलेटर है वो दोनों ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो वेल गाइस, इसे इंस्टॉल होने में भी आपका 3 से 4 मिनट ले सकता है, इसे ज़्यादा नहीं लेता। तो चलिए इसे इंस्टॉलेशन होने देते हैं। यहाँ पर जो हमारा गेम प्लस इम्युलेटर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली अपन सब कट कर देते हैं। आपके डेस्कटॉप पे आपको एक आइकन मिल जाएगा स्मार्ट गागा 3.1 करके, सिंपली आपको डबल टैप करके इसे ओपन करना है। कुछ इस तरह से हमारा जो इंटरफेस रहेगा वो एमुलेटर का कुछ इस तरह से रहेगा। पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया गया, हाईली मॉडिफाई है दोस्तों, आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप के लिए काफ़ी आसानी तरीके से चलेगा। तो भैया सिंपली आपको इसे स्क्रोल अप करना है एंड यहाँ पर आपको गेम प्री इंस्टॉल मिलता है। तो भैया काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया गेम कैसे इंस्टॉल करें, गेम इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं भाई, आपको गेम प्री इंस्टॉल मिल जाता है और ये सबसे लेटेस्ट वर्जन का गेम आपको यहाँ पर मिल रहा है। सिंपली आपको इस पर गेम को ओपन करना है। देखो यार, अभी आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं क्योंकि आगे आपको एक एरर आने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा लॉगिन इंटरफेस आ चुका है, सिंपली आप अपने फेसबुक से लॉगिन हो सकते हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन है लॉगिन करने का तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एज अ गेस्ट लॉगिन हो रहा हूँ मैं। हमारा गेम चालू हो चुका है तो अभी अपने को यहाँ पर सिंपली से लॉगआउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ भी आपको गेम नहीं खेलना है, इस मैच को आप स्किप कर देना, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ, तो वेल के जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा गेम सक्सेसफुली, यहाँ पर जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्प्ले पे जाना है एंड जैसे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ स्मूथ एंड मेरा नॉर्मल में। तो भैया ये ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको यहाँ पर अल्ट्रा का ऑप्शन आएगा, बट अल्ट्रा में मत जाना भाई, लैग करेगा। फिर मेरे को बोलोगे कि भैया आपका मेरा गेम काफ़ी लैग कर रहा है, आपका एमुलेटर काम नहीं कर रहा है। तो भैया ये सेटिंग्स आपको रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ये एमुलेटर अपना काम खुद कर लेगा। तो सिंपली अपन एक फटाफट से एक मैच लगा लेते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करते। अभी भी वीडियो को स्किप मत करना, की मैपिंग करना बाकी है। इस तरह से आपको यहाँ पर माउस सेंसिविटी, यहाँ पर प्री की मैपिंग आपको देखने को मिल जाता है। बस की मैपिंग कुछ नहीं करना है, सब कुछ पहले से है। मजाक कर रहा था क्योंकि तुम वीडियो पूरा देखते नहीं हो। तो यहाँ से अपन फुल स्क्रीन कर लेते हैं। चलो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो अपना माउस सेंसिविटी वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है एंड काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ हमारा जो गेम है वो चल रहा है। सो वेल गाइस, बस यही था आज की वीडियो पे कि कैसे आप फ्री फायर को अपने लो एंड पीसी लैपटॉप पे खेल सकते हैं। चाहे आपके पास 2 GB रैम है और ग्राफिक कार्ड यहाँ पे घंटा कुछ नहीं, तो फिर भी आप फ्री फायर खेल सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। इसकी वीडियो इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है यार, कि जो वो
फ्री फायर में लैग फेस कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।